बाबा जी हेलमेट को साफ कर रहे हैं क्योंकि मोटर व्लॉगिंग सेटअप करना है इस पे। फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो हो चुकी है एक फिर एक नए दिन की शुरुआत और उसी के साथ हो चुके हैं हम रेडी। और आज हम जा रहे हैं संजीव भाई के घर क्योंकि मैंने व्लॉगिंग के लिए एक सेटअप मंगाया था जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, तो कैसे उसको सेटअप करना है। तो अभी हम जा रहे हैं आज संजीव भाई के घर, वहाँ पे जाके उनकी हेल्प लेंगे कि कैसे इसको सेटअप करना है क्योंकि आपको पता है कि वो पुराने राइडर हैं और आपने उनकी वीडियोस तो देखी ही होंगी सारी, क्योंकि उनकी जो भी वीडियो अपलोड होती है मैं इस शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से और अपनी फैमिली के साथ। सो उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है एंड यूट्यूब की जो उनकी आईडी है वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपने नहीं देखे हैं राइडिंग व्लॉग्स उनके स्टंट व्लॉग्स तो आप देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। और चलिए अब निकलते हैं संजीव भाई के घर की ओर और मिलते हैं संजीव भाई के घर के पास ही। देख सकते हैं कि ये सब सामान आया है मैंने जो मंगवाया था अमेज़ॉन से, इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको नहीं दिखा पाया तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है हेलमेट पे टाई। तो अब जाते हैं संजीव भाई के घर और उन्हीं से पूछते हैं और बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे इसी, उससे बहुत दिन हो गए थे बाबा जी के दर्शन करे। फाइनली मैं बाबा जी के घर पे पहुंच गया हूँ और जो सेटअप करवाने आया था मोटो व्लॉगिंग के लिए वो बाबा जी ने करना स्टार्ट कर दिया है। अब बाबा जी अभी सो के उठे हैं क्योंकि बाबा जी सबको पता है बाबा जी हमारे नाइट शिफ्ट करते हैं, तो मिलवाते हैं बाबा जी से भी आपको। ये देखिए हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी रगड़ा मार रहे हैं, ये देखो साफ, बाबा जी हेलमेट को साफ कर रहे हैं क्योंकि मोटर व्लॉगिंग सेटअप करना है इस पे, तो बाबा जी लगे हुए हैं। के पास मैं गया था उनके घर और मैंने मोटो व्लॉगिंग के लिए सेटअप तो करा लिया था लेकिन एक जो पिन होती है वो गलती से मेरे से टूट गई और अब उस पिन को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा चांदनी चौक, क्योंकि मैंने पता कर लिया हमारे इधर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और भी जगह पता कर लिया और अमेज़ॉन से मंगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि संडे को मेरी राइड है और मैंने इसीलिए तो व्लॉगिंग सेटअप कराया था कि मैं पूरी राइड कवर कर सकूँ। और अब चांदनी चौक के लिए जाना पड़ेगा और पिन लानी पड़ेगी और चलते हैं फिर चांदनी चौक के लिए, निकलते हैं और लेके आते हैं पिन वहाँ से। आए पुरानी दिल्ली चांदनी चौक पे, ये सामने आप देख सकते हैं शीशगंज साहब गुरुद्वारा है। मिल चुके हैं, वो देखिए सामने से आ रहे हैं वीर जी, वो देखिए सामने से आ रहे हैं वीर जी, हमारे बड़े वीर जी। वो वीर जी सत्रीकाल। सत्रीकाल वीर जी, क्या हाल है? मैं चांदनी चौक में 3S ट्रेडिंग में कैमरे का कुछ सामान लेने, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अभी नया नया कैमरा लिया है तो उसकी कुछ एक्सेसरीज जो हेलमेट पे लगाने की थी वो नहीं मिल रही थी, तो मैंने सुबह कोई वीडियो देखी और उस पर भैया को कॉन्टेक्ट किया तो भैया ने बताया, तो हम चांदनी चौक आए हैं लेने के लिए। शॉप के ऑनर हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। ये भैया है, भैया आपके पास क्या क्या मिलता है यहाँ पे? भैया एक्शन कैमरे की बैटरी मिल जाएंगे, एक्शन कैमरे मिल जाएंगे आपको और डिजिटल कैमरा जो आता है सोनी निकोन कैनन पैनासोनिक, अच्छा सारा कुछ मिल जाएगा, सब तरह की बैटरियाँ मिल जाएंगी, सब तरह के उनके चार्जर मिल जाएंगे, हर तरह का चार्जर हर तरह की बैटरी जो भी है आपको हर तरह के मिल जाएगा, फ्लैश लाइट मिल जाएगी, कैमरे के चार्जर मिल जाएंगे, हाई क्वालिटी वाले भी मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे आपको और फ्लैश मिल जाएंगे आपको, चार्जर मिल जाएंगे आपको, ब्लॉगिंग के रिलेटेड जितना भी सामान है सारा कुछ मिल जाएगा आपके पास, और कैमरे के रिलेटेड जो भी होता है हर चीज मिल जाएगी, किट भी मिल जाएगी, गोप्रो की किट बोलते हैं, गोप्रो की दो ऑनलाइन 2021-22 की ऑनलाइन बिक रही है, लेकिन आप आओगे भैया नाम लेकर आओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये आपको 1200 रुपए की मिलेगी और इस मार्केट में 1200 रुपए कोई नहीं दे पाएगा आप। चलो बहुत बढ़िया,
फारा साहब से सीधे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पुराने जमाने के जो इंजीनियर से उन्होंने कलाकारी करी है, ये सामने आपके रेड फोर्ट पड़ेगा। और जो हमारी परेड है वो भी परेड भी यहीं से निकलती है। हम खड़े हैं मैकडी के बाहर और यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत है और हमारे वीर जी हो रहे हैं परेशान। ये देखिए वीर जी परेशान हो रहे हैं कि कब नंबर आएगा। था वो आ चुका है और बर्गर और कोक आ चुकी है। बाकी का जो ऑर्डर किया था वो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइकिल जो इलेक्ट्रॉनिक से भी चलती है और पेडल से भी चलती है। 36,000 रुपीज। फाइनली मैं चांदनी चौक से होके आ चुका हूँ। आपने देखा ही होगा मैंने चांदनी चौक में क्या क्या किया और बहुत मजा आया। हमारे वीर जी भी आए थे चांदनी चौक, क्योंकि वीर जी वहीं रहते हैं आसपास, तो मैं गया था चांदनी चौक तो मैंने उनको भी बुला लिया, क्योंकि मुझे इतनी वहाँ की नॉलेज है नहीं। वीर जी को हमारे बहुत ज़्यादा नॉलेज है वहाँ की, और वीर जी मेरे से बड़े भी हैं तो उनको हर चीज़ की नॉलेज है वहाँ पे। तो और बहुत बढ़िया लगा वीर जी से एक तो इतने दिनों बाद मिला, और प्लस हमने खाया पिया इंजॉय करा, और जो मुझे सामान चाहिए था वो इजीली वहाँ से मिल गया। अगर आप उस शॉप पे कुछ भी सामान खरीदने जाओगे तो मेरा नाम ज़रूर लेना, आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा वहाँ पे भी। और मैं नहीं जानता, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसके साथ जो मर्जी करो, लाते मारो घुसे मारो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कमेंट आ जाना चाहिए और लाइक कर देना। बस ऐसे ही आप सबके लिए प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ कमी है, कुछ फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगर कोई भी अपनी शॉप का या कहीं का फूड का या किसी भी चीज़ का व्लॉग बनवाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे चैनल पर उसकी शॉप का या किसी भी चीज़ का व्लॉग अपडेट हो, तो प्लीज़ मुझे, मेरी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन है, मुझे ईमेल कर सकता है या कमेंट में अपना जो भी मैसेज है वो छोड़ सकता है, उसको देख के फिर मैं उसे कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। गुड नाइट फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, और बड़ों को पैरी पोना।